नमस्कार, मेरा नाम कल्पना सालवी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन के पद में हूँ। मैंने अपने पहले की प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ ब्रीफ व्यू दिया था फोक पेंटिंग्स के बारे में। आज मैं आपको उसी के बिहाफ में मधुबनी पेंटिंग के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार से बिलोंग करती है। यहाँ का जो प्लेस है, अबाउट द प्लेस, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो 190 किलोमीटर सिचुएटेड है पटना सिटी से। और इसका जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग की, लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है फॉरेस्ट ऑफ हनी। ये जो है वो दरभंगा से सराउंडेड है और ये सीतामारी और नेपाल में है। उसके बाद में ये जो पेंटिंग है वो एंशियंट मैथिली किंगडम से बिलोंग करता है, मतलब मिथिला किंगडम की जब हम बात करें तो मिथिला किंगडम से बिलोंग करता था। मैथिली जो है वो एक तरह की भाषा है बिहार की, और ये वहाँ के रीजन से बिलोंग करती है, वहाँ के लोगों द्वारा ये भाषा बोली जाती है। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सा एक डिजाइन है, मोटिव है। अब मधुबनी पेंटिंग के ओरिजिन्स की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो इसका ओरिजिन कैसे हुआ कि जब सीता की जब शादी हुई, मतलब हम सीता की जो बात कर रहे हैं वो है रामायण वाली सीता, जो आज के टाइम में आप लॉकडाउन पीरियड में देख रहे होंगे कि डेली 9:30 के टाइम पे रामायण आ रही है। और उस उन्हीं सीता मैया की हम बात कर रहे हैं कि सीता की मैरिज जब हुई थी और राजा जनक जो थे सीता के फादर, उन्होंने आर्टिस्ट को ऑर्डर दिया था कि मिथिला पेंटिंग का डिपिक्शन करें, उनकी मैरिज सेरेमनी का पूरी तरह से डिपिक्शन करें और एक अच्छी सी पेंटिंग बनाए जो वो उन्हें गिफ्ट कर पाए। ये जो है पेंटिंग वो ट्रेडिशनली महिलाओं द्वारा की जाती है, ग्रामीण महिलाओं द्वारा। पेंटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है। उसके बाद में ये फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल पे की जाती है, झोपड़ियों पर बनाई जाती है, बहुत ही कलरफुल पेंटिंग होती है। आज के टाइम पे ये क्लोथ्स पे भी बनाई जाती है और हैंडमेड पेपर एंड कैनवास पे भी बनाई जाती है। WG आर्क, ICS एंड देन SDO की बात करें तो मधुबनी जो है वो ऐसी पेंटिंग्स है जिनको पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा स्थान मिला है। और बहुत ही ये अटेंटिव टाइप की पेंटिंग है। और ये 1934 में जब बिहार में अर्थक्वेक आया था उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगी और बहुत ज़्यादा ये बनाई जाने लगी। मधुबनी पेंटिंग जो है उसमें टू डायमेंशनल इमेज बनाई जाती है, ये 3D इमेजेस नहीं होती है। और इसके जो कलर्स होते हैं वो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं। इसका जो डिपिक्शन है और जो इंस्पिरेशन है वो मोस्टली हिंदू रिलीजियस मोटिव्स की जब हम बात करें तो उनसे लिए जाते हैं। और इसके जो थीम्स है वो हिंदू डाइटीज से होती है, जैसे कृष्णा, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती, ये सारी गॉडेसेस है जिनसे इंस्पायर होकर ये पेंटिंग बनाई जाती है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वाइडली पेंटेड होते हैं अलॉन्ग विद द सीन्स फ्रॉम रॉयल कोर्ट एंड वेडिंग इवेंट्स। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन को लेके अपना एक व्यू कायम करें तो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो पेंटिंग्स जो है आर कैरेक्टराइज बाय द वाइब्रेंट एंड बोल्ड यूज ऑफ कलर, मतलब वाइब्रेंट कलर्स इसमें यूज किए जाते हैं। फिर इसके जो पैटर्न्स होते हैं वो काफी ट्रेडिशनल और ज्योमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद में जो इस पेंटिंग को काफी अट्रैक्ट करते हैं और एक सपोर्टिव सिस्टम जैसे काम करते हैं और इस पेंटिंग के ब्यूटिफिकेशन में 4 चांद लगाते हैं। मेन एट्रीब्यूट ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स जो हैं वो इसके डबल लाइन बॉर्डर्स हैं, ऑर्नेट फ्लोरल डिजाइंस हैं, अब्स्ट्रैक्ट लाइक फिगर्स ऑफ डाइटीज हैं, बल्जिंग आईज है, जॉल्टिंग नोज है, फेसेस और फिगर्स है।
मतलब इसके जो फेसेस और फिगर्स है वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आप पेंटिंग को देखकर ही उसकी ब्यूटिफिकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते कि वाओ व्हाट व्हाट इज द पेंटिंग। मतलब जो पेंटिंग है वो अपने आप में ही एक सुंदर अट्रैक्टिव होती है और इसके कलर ही इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आप उनको देखते ही उसकी तरफ इम्प्रेस हो जाते हो। जनरली इसमें कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रखा जाता है, मतलब बॉर्डर पे भी कलर होता है, लाइंस होते हैं, हर जगह इसमें कलर किया जाता है और जो गैप्स होते हैं उनको क्या होता है फ्लावर्स से, एनिमल से, बर्ड से और इवन ज्योमेट्रिकल डिजाइन से ही बनाया जाता है। कलर्स जो है उसमें अर्लियर क्या होता है नेचुरल कलर्स यूज होते थे इसमें, और आज के टाइम में इसमें पोस्टर एक्रेलिक कलर्स भी इसमें यूज किए जाते हैं। जो कलर्स हैं वो फ्लैट और फ्लैटली अप्लाई किए जाते हैं, इसमें किसी भी तरह की शेडिंग नहीं की जाती है और फ्लैट यूज ऑफ कलर ही इसमें इतना अच्छा किया जाता है कि अपने आप में अट्रैक्शन का केंद्र होता है। ये नेचुरल कलर से डिराइव होती है, मतलब जो ब्लैक है वो सूट के ब्लेंड करने से, काउडंग से, गाय के गोबर से बनता है, जो येलो है वो हल्दी से, टर्मरिक से बनता है, पॉलिन से, लाइम से, बनियान लीव से बनाया जाता है, ब्लू जो हमारा जो नेचुरल इंडिगो है उससे बनता है, रेड कलर जो है वो कुसुम फ्लावर से बनता है, जूस और रेड सैंडलवुड से बनता है, ग्रीन जो है वो वुड ऑफ एप्पल ट्रीज से बनता है, वाइट जो है राइस पाउडर जो चावल का आटा होता है उससे बनाया जाता है। वैसे बात करें तो सात सब टाइप की जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है उसमें राइस पाउडर ही एंशियंट टाइम से एज अ वाइट कलर यूज किया जा रहा है। ऑरेंज जो है पलाश के फूलों से बनाया जाता है। इसका जो मीडिया है उसकी बात करें तो वॉल पेंटिंग भित्ति चित्र, कैनवास पेंटिंग को पत्थर चित्र, फ्लोर पेंटिंग को आरिपन कहा जाता है। और ये जो आर्ट जो है 1960s में पेपर पे बनाना चालू गया था, पहले ये सिर्फ वॉल पे होता था, झोपड़ियों पे बनाया जाता था, 1960s के बाद में ये पेपर पे कैनवास पे बनाया जाने लगा। और ये इसमें एक स्वतंत्रता की फीलिंग आने लग गई कि किस तरह से ये पेपर पे आया और अभी ये कंटेम्पराइज फॉर्म में, कस्टमाइज फॉर्म में ये कर्टेंस पे और दूसरे दूसरी तरह के होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स पे भी ये क्रिएटिवली बनाया जाने लगा। मतलब इसका एक क्रिएटिव मूव हुआ। पेंटिंग्स जो है वो क्लोथ्स पे भी बनाई जा रही है, सनमाइका पे भी बनाई जा रही है और आज के टाइम में बिहारी वुमेन जो है, बिहारी महिलाएं जो है वो इसको साड़ीज, दुपट्टास और फैब्रिक पेंट करने के लिए भी इसका यूज कर रही है। ट्रेडिशन जो है इसमें तीन तरह के ट्रेडिशन है, कायस ट्रेडिशन, ब्राह्मण ट्रेडिशन एंड टैटू ट्रेडिशन। कायस ट्रेडिशन की बात करें तो इस ट्रेडिशन में क्या होता है, इसमें दो तरह के कलर्स यूज किए जाते हैं, ब्लैक और रेड, और ये जो पेंटिंग्स है वो लाइन ड्राइंग्स और सिंबल से बनाई जाती है। ये जो ट्रेडिशन है इसमें क्या होता है, लोटस प्लांट को रिप्रेजेंट किया जाता है, बैम्बू ग्रोव, फिश, टॉर्टोइजेस, पैरट्स, बर्ड्स और ये सारी चीजें जो होती है फर्टिलिटी को सिंबलाइज करती है। टैटू ट्रेडिशन में क्या होता है, ये जो पेंटिंग है वो बेसिकली बेस्ड होती है प्रिमिटिव आर्ट पर और ये इसी को रिफ्लेक्ट करती है। इसका जो क्रिएशन होता है वो सीरियल रेप्लिकेशन से होता है सेम इमेज की। द पेंटिंग इज ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन ड्राइंग, लाइन ड्राइंग में होती है टैटू ट्रेडिशन में, एंड इट इज डिवाइडेड इंटू हॉरिजॉन्टल मार्जिन, हॉरिजॉन्टल मार्जिन से इसको डिवाइड किया जाता है। इसके जो थीम होते हैं वो बेस्ड होते हैं राजा सलहेश के इंस्पिरेशन से, और बाद में जो आर्टिस्ट होते हैं वो हिंदू इपिक्स और माइथोलॉजी से भी इंस्पायर होकर इसको बनाते हैं। और ये टैटू ट्रेडिशन जो है वो इट्स सिमिलर टू ब्राह्मण ट्रेडिशन। इसके जो स्टाइल्स है आप देख सकते हैं, बहरानी स्टाइल, काचनी स्टाइल, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कितना सुंदर इस पेंटिंग को किया गया है। इसके स्टाइल गेरू स्टाइल से देखिए, लॉर्ड कालिका गॉडेस दुर्ग कालिका ने जो महिषासुर वध किया था उसका डिपिक्शन है। देन गोडाना स्टाइल का आप सैंपल देख सकते हैं। द ब्राह्मण ट्रेडिशन की बात करें, ब्राह्मण स्टाइल जो है
पेंटिंग का वो लेविशली डील्स विथ रिच वैरायटी ऑफ कलर, मतलब इसकी जो कलर क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा रिच और वाइब्रेंट होती है। ब्राह्मण ट्रेडिशन जो है मेनली डील करते हैं गॉडर गॉड एंड गॉडेसेस की थीम्स पे, और जिनके मैजिकल सिंबल्स होते हैं जो डाइटी से कनेक्टेड रहते हैं। ट्रेडिशनली इन पेंटिंग्स का जो यूज होता है वो पिगमेंट कलर्स से होता है, और पेपर पे ये पिगमेंट कलर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं, इसमें नो सफिस्टिकेटेड टूल्स आर नीडेड इन मधुबनी पेंटिंग, कोई भी सफिस्टिकेटेड टूल्स इसमें यूज नहीं होते हैं। ब्रश जो होते हैं वो बैम्बू ट्विग से बनाए जाते हैं, और जो दूसरे ब्रश जो होते हैं जो फीलिंग के लिए काम आते हैं, मतलब जो ब्लैंक स्पेसेस को काम में लेते हैं, वो स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ्स से बनाया जाता है, और ये भी ट्विग से अटैच होता है, जो ट्विग बैम्बू की होती है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, निब्स यूज हो रही है, पेंटेड ब्रशेस यूज हो रहे हैं। करंट स्टेटस की बात करें, इट हैज गॉट इंटरनेशनल फेम नाउअडेज, मतलब मधुबनी पेंटिंग के, जैसे मैंने आपको पहले की स्लाइड में भी बताया कि ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है, तो आज के टाइम में इसको इंटरनेशनल फेम भी मिला है। इन मोस्ट ऑफ द आर्ट फेयर्स एंड एग्जीबिशन वी कैन फाइंड मधुबनी पेंटिंग, काफी सारे आर्ट एंड एग्जीबिशन फेयर में हमें मधुबनी पेंटिंग मिलती है। द क्रेडिट ऑफ टेकिंग मधुबनी पेंटिंग्स आउट ऑफ होम्स गोज टू लेट मसुंदरी देवी, इट इज अडॉप्टेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज द बैकग्राउंड ऑफ देयर डेबिट कार्ड, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डेबिट कार्ड के बैकग्राउंड के लिए भी मधुबनी पेंटिंग का यूज किया है। नेशनल अवार्डीज की बात करें तो इनमें श्रीमती जगदम्बा देवी को 1970s में नेशनल अवार्ड मिला है, श्रीमती सीता देवी को 1975 में, श्रीमती गंगा देवी 1976, श्रीमती गोदावरी दत्ता 1980, श्रीमती मसुंधरी देवी 1978, 1979 एंड 1981, और श्रीमती मसुंधरी देवी जो है वो पद्मश्री अवार्डेड है। आप बिब्लियोग्राफी देख सकते हैं कि आप कहाँ से इनकी और ज्यादा थ्योरी को पढ़ सकते हैं। होप आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो। मैं नेक्स्ट ट्रेडिशनल आर्ट्स और पेंटिंग के साथ आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होंगी। थैंक यू सो मच।